गर्ल्स के लिए है, लेडीज के लिए है। तो दोस्तों जो बॉयज मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, अगर नॉलेज चाहिए आपने इस प्रोडक्ट को अपनी फैमिली मेंबर्स या किसी अपनी वाइफ को गिफ्ट करना है तो आप इसे कर सकते हैं, आई मीन इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वैसे आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एवरटीन के टैम्पॉन्स के बारे में। अब ये टैम्पॉन्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें यूज करना है, क्या ये सेफ है, कैसे कब यूज करना है हमें, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं जब भी हम मैं किसी नए प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को उसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वेल, आपके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी तो आपको कोई भी डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बार में उसका लिंक दिया है, वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में थोड़ी परेशानी आ रही है या आप यूज नहीं करना चाहते, आपको थोड़ा डर लगता है, कुछ भी ऐसा है, तो दोस्तों आप एवरटीन के टैम्पॉन्स यूज कर सकते हैं। टैम्पॉन्स यूज करने बेहद आसान होते हैं, इन्हें इंसर्ट करना निकालना बहुत आसान है और ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होते हैं, इससे स्किन खराब नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन का डर नहीं होता है, कोई एलर्जी का डर नहीं होता है और आप इसे बड़े आराम से 4 to 5 hours तक रख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। और पीरियड्स के दौरान जब आपका बहुत ही लाइट फ्लो होता है तो उसके लिए अलग से टैम्पॉन है, और अगर बहुत हैवी फ्लो है तो उसके लिए अलग से है। तो मैं आपको डिफरेंट तरह से प्रॉपरली बताऊंगी कौन से टैम्पॉन्स कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। तो मैं आपको बता दूं इससे पहले कि इसे लेडीज यानी कि मैरिड जो है वो भी यूज कर सकती हैं, अनमैरिड जो लड़कियां हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसे यूज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब भी हम कोई नए प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं, उसे अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब थोड़ा बहुत तो यार फील होता ही है, लगता ही है, तो उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप इसे यूज करना शुरू कर देंगे, इसे कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपको इसे यूज करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो वेल, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि टैम्पॉन्स किस तरह के दिखते हैं, कैसे हमें इसे यूज करना है, कैसे हमें इसे बाहर बॉडी से निकालना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ एवरटीन के एप्लीकेटर टैम्पॉन्स की। दोस्तों ये बहुत 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 ईजी यूज़ बहुत ईजी होते हैं। और अब आप बोलोगे कि मैम लिट का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों 8 लिट टैम्पॉन्स यहाँ पे इसका जो साइज है वो लिखा होता है, और लिट का मतलब होता है बहुत ही लाइट फ्लो में। जब स्टार्टिंग में हमें बहुत ही लाइट फ्लो होता है या एंड में पीरियड्स के दौरान, एंड के जो डे होते हैं 5th, 4th या 5th डे होता है, उसमें बहुत ही कम फ्लो होता है, तब आप लिट टैम्पॉन को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 6 से कम ग्राम का जो ब्लड होता है आपका उसे ऑब्जर्व कर लेता है, राइट। तो मतलब ये लगा के चलें, आप हिसाब किताब मत कीजिएगा, बस ये सोच लीजिएगा जब लाइट फ्लो हो तब आपने लिट टैम्पॉन यूज करने हैं। और रेगुलर में 6 to 9 ग्राम यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा हो जो लाइक फ्लो आपका उसे ऑब्जर्व करता है। सुपर यानी कि अगर यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है तो सुपर का जो टैम्पॉन होता है वो ज़्यादा जो ब्लड होता है उसे ऑब्जर्व करता है जब आपका फ्लो बहुत ज़्यादा हो। और सुपर प्लस टैम्पॉन्स जो होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आपको पीरियड्स हैं या आपको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो तब आपने सुपर प्लस जो टैम्पॉन्स हैं उसका यूज़ करना है। वेल, मैं आपको अब बता दूं कि ये बहुत ही सेफ हैं, इन्हें यूज़ करना बहुत इजी है। तो दोस्तों जब आप किसी और कंपनी का बाहर से पैड यूज़ करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा उसमें सेंट होता है, खुशबू होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि सबसे पहले तो ये सुपीरियर लीक प्रोटेक्शन से आपको सेफ करता है और सर्टिफाइड बाई USFDA है, और इसके अलावा टोटल क्लोराइन फ्री है, मतलब इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, 100% अनसेंटर्ड एंड परफ्यूम फ्री, इसके अंदर कोई भी सेंट कोई भी परफ्यूम नहीं डाला गया है, और जो आपकी स्किन को हार्श करेगा, इरिटेट करेगा या फिर आपको कोई एलर्जी देगा। उसके अलावा ये हाइजीनिक है, बहुत ही कंफर्टेबल है, यूज़ करना बहुत ही ईजी है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ ये दिखने में कैसे हैं। दोस्तों जब आप टैम्पॉन्स को खरीदते हैं ये दिखने में कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग आएगी, और इसका पैकिंग स्टाइल मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वेल, ये टैम्पॉन्स आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे, जब ये इस तरीके से आपको पैक होके मिलेंगे तो इन्हें कैरी करना बहुत ईजी है,
आपके पर्स के अंदर ज़्यादा जो जगह है, ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं कवर करेंगे। बड़े आराम से आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, अपने बैग में, अपने छोटे जो आपकी किट होती है उसके अंदर भी इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये टैम्पन कुछ इस तरीके के आपको दिखेंगे। तो आपने इन्हें खोलना है और इसे यूज़ कैसे करना है, वेल इसे यूज़ करने का जो मेथड है वो भी बता देती हूँ। वेल दोस्तों, आपने क्या करना है, इसे अपनी वजेना के अंदर, अपने वजेना के अंदर इसे इंसर्ट करना है पीरियड्स के दौरान। कैसे यूज़ करना है आपको बता सकती हूँ मैं। आप अपनी वजेना के अंदर आपने कुछ इस तरीके से इसे इंसर्ट करना है और यहाँ से आपने इसे पुश करना है, यहाँ से आपने इसे पुश करना है कुछ इस तरीके के, आप ये अंदर चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आपने अपनी वजेना के अंदर कुछ इस तरीके से इसे इंसर्ट करना है, ये पूरे का पूरा अंदर चला जाएगा इस तरीके से, और आपने इसे बाहर निकाल देना है। जब ये अंदर चला जाएगा तो आप याद रखिएगा, ये आपको जो थ्रेड दिख रहा है इसे आपने बाहर रखना है और इसे आपने अंदर कर देना है। ये जो चीज़ है इसमें कोई सेंट नहीं है, कोई परफ्यूम नहीं है, बहुत ही नेचुरल है। कोई टूटने का, गिरने का, या इसे अगर आप सोच रहे होंगे ये टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल डर नहीं है इस चीज़ का। वो भी बता देती हूँ किस तरीके से मैं क्यों इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ। वेल, जब आप इसे अंदर करोगे, आपने इसे 4 से 5 घंटे तक अपनी बॉडी के अंदर रखना है। ये चीज़ जो है पूरे ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें ब्लड भर जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो ऑब्जर्वेशन के बाद ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जब आपने इसे निकालना है, ये थ्रेड को आपने बाहर ही रखना है, जब आपने इसे निकालना है तो आपने बड़े आराम से धीरे धीरे करके, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। तो आपने इसे जस्ट थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपनी वजेना से बाहर निकाल लेना है, दैट्स इट। और उसके बाद आपने इसे थ्रो कर देना है और फिर आप नेक्स्ट दूसरा जो टैम्पन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है, इससे आपको कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई डर नहीं आपको लगेगा। और अब मैं बता देती हूँ कि टूटेगा क्यों नहीं, इसके टूटने का डर क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि इसे बहुत प्रॉपरली, आप देख सकते हैं मैं कितना ज़ोर लगा रही हूँ इसे खोलने में भी, इसे बहुत ही तरीके से इसे स्टिच किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसे बहुत ही तरीके से इसे सिला गया है। अगर मैं इसे खींचती भी हूँ, ये देखिए मैं बड़े ज़ोर लगा के इसे खींच रही हूँ, तब भी ये नहीं टूट रहा है, निकल नहीं रहा है। तो आप इसे ये कुछ इस तरीके का है और इस तरीके से इसे स्टिच किया गया है यहाँ से, तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है बहुत अच्छी है। एक चीज़ इसे यूज़ करने से पहले आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आपने इसे रात को सोते वक्त नहीं यूज़ करना है, सोते टाइम आप इसे यूज़ मत करें। आप उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसे यूज़ करना बेहद आसान है, बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे और उसके बाद आप जब इसे लगातार यूज़ करते रहेंगे तो आपको बिना डरे, बिना किसी डर के आप बड़े ईजी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि जब आपने पी जाना है, वॉशरूम जाना है, तब आप क्या करेंगे, इसे निकालना पड़ेगा, आप पी कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, उससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे जब आपकी बॉडी में ये है तब भी आप पी कर सकते हैं, क्योंकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई उसके साथ इसका लिंक नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट थ्रेड है, थ्रेड को आपने एक साइड पे कर देना है, आपने पी करना है, उसके बाद थ्रेड को गेन छोड़ देना है, दैट्स इट। ये जब आप पी करते हैं तो ये बाहर नहीं निकलेगा, डोंट वरी, ये आपकी बॉडी में ही रहेगा। जब आप इसे इस तरीके से बाहर निकालेंगे तभी ये आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो गाइस, टैम्पोन्स के अलग अलग साइज आते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके लिट, रेगुलर, सुपर और सुपर प्लस साइज आते हैं, और साइज का यहाँ से कंफर्म हो जाता है। जैसे कि 8 लिट टैम्पोन्स है, 8 रेगुलर टैम्पोन है और ये 8 सुपर प्लस टैम्पोन है। तो इनका जो साइज है, इनके यहाँ कॉर्नर पे लिखा होता है, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। और आप डॉट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि लिट है उसके ऊपर एक डॉट है, यानी कि बहुत कम फ्लो में आप इसे यूज करेंगे। रेगुलर टैम्पोन है, इसके ऊपर 2 बने हुए हैं, 2 ड्रॉप्स बने हुए हैं, तो आप इसे उससे थोड़ा ज्यादा फ्लो उसमें यूज कर सकते हैं। और जो उसके बाद वाला है, यानी कि सुपर, उसमें 3 डॉट्स बनी हुई हैं, आप तब यूज कर सकते हैं। और जो सुपर प्लस है उसमें 4 डॉट्स बनी हुई हैं, जब बहुत ही ज्यादा हैवी हो, बहुत ही सुपर फ्लो हो, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर ये टैम्पॉन्स का रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो एवरीवन, ये टैम्पॉन्स वीडियो कैसे लगा आपको? अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी थोड़ा जागरूक हो जाइए, नई चीज को इस्तेमाल करें। यार अभी वही चीजें, पैड वगैरह यूज करना बंद करें, कोई नई चीज जो आपकी लाइफ में आ रही है यार, मॉडर्न लाइफ में आप हो यार, और नई चीज को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बनता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा। एंड ये प्रोडक्ट आपने खरीदना कहाँ से है, उसके जो लिंक है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दिए हुए हैं, वहां पे क्लिक करोगे सीधा प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नई वीडियो और नई रेमेडी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।